हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं, सिलेबस डिकोडिंग सीरीज। दोस्तों, सिलेबस डिकोडिंग सीरीज, तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, उसकी सक्सेस की पहली कुंजी उसका सिलेबस होता है। दोस्तों, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपकी जो तैयारी की बाउंड्री क्या होगी, तो आप जब तक सिक्सर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है आपके सिलेबस में हिस्ट्री दिया है और हिस्ट्री में बोला गया है मॉडर्न पीरियड, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ आपको मॉडर्न पढ़ना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ। जैसे आपका हिस्ट्री का सिलेबस है और उसमें सिर्फ बोला है कि यदि मॉडर्न पढ़ना है, तो एक तरीके से आपको सिर्फ मॉडर्न की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, सिलेबस कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को एक बाउंड्री प्रदान करता है कि इसके अंदर ही रहना है। क्योंकि जिस तरीके से परीक्षाएं आपकी होती है, उसमें कई कई सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे पॉलिटी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, साइंस एंड साइंस टेक भी होता है, तो आपको सारे विषय पढ़ने होते हैं। लेकिन यदि आप सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप किसी एक विषय पे ही पीएचडी कर सकते हैं या विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा सफलता में कहीं ना कहीं क्या होता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि पीएचडी जो है वो परीक्षा में मेरे हिसाब से उतना काम नहीं आएगा, जितना हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से सिलेबस को जरूर देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए और रिवीजन को जरूर से जरूर करना चाहिए। मेरा हमेशा यही रहता है किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो कई साल से तैयारी कर रहा हो, तीन चीजें उसको हमेशा करना चाहिए। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको ये तीन चीजें जरूर सजेस्ट करेंगे। पहला, आपको सिलेबस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेबस को देखना चाहिए, कैसे किस सिलेबस की किस हेडिंग से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। और तीसरा जो है वो रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन आपको परीक्षा में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है दो ऑप्शन के बीच में, उससे आपको पार लगवाता है। दोस्तों, तो इस तरीके से आज अपन सिलेबस की सीरीज को चालू करेंगे। और मैं आपको एमपीपीएससी के हर मेंस के पेपर की क्या कराऊंगा, सिलेबस डिकोडिंग कराऊंगा। और दोस्तों, मेंस और प्री दोनों को एक साथ पढ़ना क्यों जरूरी है, वो भी आपको इस वीडियो में जरूर पता चलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं एक ही है। और मेंस तैयारी करने वाले विद्यार्थी का प्री निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी मेंस से की पढ़ाई करने से उनकी समझ ज्यादा विकसित हो जाती है, और समझ कहीं ना कहीं उनको प्रीलिम्स में एज प्रदान करती है। दोस्तों, तो इसलिए आप ये सीरीज जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए, आइए अपनी सीरीज को अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब देखिए, अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, आज मैं आपके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ, मतलब प्रश्न पत्र टू सामान्य अध्ययन, जो कि आपका क्या है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। दोस्तों, इसके सिलेबस अपन डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, ये कैसे आपको सिलेबस डिकोड करना चाहिए। कोई भी नया विद्यार्थी हो या बहुत साल से तैयारी कर रहा हो, उसको इसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए, अपन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, दो चीजें बताता हूँ, उसके बाद आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, तो जैसे कि आपको ये मालूम है कि जैसे अपना भारत देश है, फॉर एग्जाम्पल ये भारत है, अब आप मान लीजिए कि कोई भी देश हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसको चलाने के लिए कुछ कानून नियम विनिमय की जरूरत पड़ती है ना। अब जैसे ये भारत है, अब इस भारत को चलाने के लिए आपको मालूम है कि कुछ नियम है, और वो नियम कहाँ लिखे, एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है दोस्तों, संविधान है। मैं आपको ये सरल भाषा में समझा रहा हूँ, जब मैं इसका कोर्स लॉन्च करूंगा वहां और आपसे विस्तार में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ आपको सिलेबस समझाने के पर्पज से थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रदान की जा रही है। तो जैसा कि आपको मालूम है, अपना जो भारत देश है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका घर है, तो आपके घर में कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, आपके घर में आय का स्रोत क्या है, आपके घर के जितने नियम विनियम है वो कहीं ना कहीं किसी ने निर्धारित किए होंगे। इसी तरीके से भारत को संचालित करने के लिए एक किताब है जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान के ऊपर भारत में कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि संविधान के अंदर बहुत सारे क्या है, चैप्टर, चैप्टर एक तरीके से समझ लीजिए भाग है, उन भाग में बहुत सारे क्या है, प्रावधान, उन प्रावधानों को क्या कहा जाता है, आर्टिकल या अनुच्छेद कहा जाता है। दोस्तों, अब देखिए, इस किताब में एक आर्टिकल है 24, उसमें क्या बोला है, बालकों के शोषण का निषेध। अब आप देखिए, इसमें बोला है बालकों का क्या है, शोषण नहीं करना है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी किताब के माध्यम से अपन बहुत सारे एक्ट बनाते हैं, एक्ट, तो आप देखेंगे कि एक आर्टिकल को आधार बना के ही अपन ने बहुत सारे बालकों को बचाने के लिए एक्ट बनाए। दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, पॉक्सो एक्ट, वो तो सब कहाँ से, संविधान से ही प्रेरणा मिलती है कि अपन को ज्यादा से ज्यादा न्याय करना है और कोई भी गलत चीज को होने से रोकना है। दोस्तों, तो आपके भारत का शासन चलाने की किताब क्या कहलाई, संविधान। अब दोस्तों देखिए, नियम विनिमय आपने बना के रख दिए किताब में, लेकिन वो जब तक लागू नहीं होंगे, जब तक उसको लागू कराने की कुछ संस्थाएं नहीं होंगी, कुछ बॉडी नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में आपको मालूम है कि इसी संविधान के आधार पर कानून बनाने की संस्था कौन है, विधायिका।
फिर इसी कानून को लागू कराने की संस्था कौन है? कार्यपालिका। और इन दोनों ने सही से काम किया है या इन दोनों के कानून सही तरीके से संविधान से संगत है, उसकी जांच करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? न्यायपालिका। तो इस तरीके से आप देखिए, विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उन नियमों को लागू करती है, और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियमों की जांच करती है। और किस किस आधार पर जांच करती है? तो न्यायपालिका ये देखती है कि जो इन लोगों ने कानून बनाए हैं या ये जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं कि नहीं। इसी को एक टर्म बोला जाता है संविधानवाद दोस्तों, संविधानवाद, संविधान के अंदर रहते हुए कार्य करना। तो अब आप देखिए, अब आपको मैंने बताया कि अपने देश की क्या एक किताब है, तो अब आप अपने सिलेबस को आइए और इकाई वन देखिए। इकाई वन ये बोलती है कि जो आपके देश की किताब है, किताब भारतीय संविधान, उसका देखिए वो किताब बनी कैसे, आप किताब का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें आप सिलेबस में देखिए, तो निर्माण कैसे हुआ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपन ने कुछ प्रावधान लिए, उनके पहले भी कुछ एक्ट आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो अब अपनी किताब कैसे बनी, पहली हेडिंग हो गई। फिर अपनी इस किताब की मतलब संविधान की क्या विशेषता है, तो आप या हम सब हमेशा गौरवान्वित होते हैं कि हमारी जो किताब है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इस तरीके से कुछ विशेषताएं, नम्य और अनम्य का मिश्रण है। फिर आप देखिए मूल ढांचा, तो आपको मालूम होगा कि कई बार एक प्रश्न आ चुका है कि केशवानंदा भारती केस में जो मूल ढांचे की संकल्पना दी गई, उस संकल्पना के अंतर्गत भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान आते हैं, जैसे मूल अधिकार आता है, मूल अधिकार क्या है? तो आपके और हमारे मानव के नैतिक उत्थान के लिए, है ना, आध्यात्मिक उत्थान के लिए या ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लिए जो चीजें दी गई है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। अभी आगे अपनी किताब में देखिए अगली हेडिंग ही वो मूल अधिकार है। तो इस तरीके से अपन को ये देखना है कि जो भारत को चलाने वाली किताब है उसका निर्माण, तो इसमें अपन देखेंगे रेगुलेटरी एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, इन सब एक्ट की बात करेंगे। विशेषता में अपन देखेंगे अनम्य का मिश्रण, कुछ मूल अधिकार, कुछ डीपीएसपी, है ना, इस तरीके के प्रावधान। फिर मूल ढांचे में अपन केशवानंदा भारती केस की बात करेंगे, और प्रमुख संशोधन देखिए आपको जैसे मालूम है 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान कहा जाता है, 44th अमेंडमेंट ने कहीं ना कहीं 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रावधानों को क्या, उनको वापस से लागू किया गया। फिर आपने देखा होगा अभी हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन का जो आरटीए संविधान संशोधन है, इसी तरीके से अभी हाल ही में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का जो हटाया गया है संविधान संशोधन करके। तो प्रमुख संविधान संशोधन पर अपन चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जो बताया, भारत में आपको चार चीजें याद रखनी है, चार चीजें, एक तरीके से दो ही चीजें हैं, एक आपको संविधान ध्यान रखना है, तो ये पूरा चैप्टर आपका संविधान का है। ये अगला भी देखिए वैचारिक तत्व, तो आपके संविधान की उद्देशिका मतलब प्रेम्बल, और प्रेम्बल को क्या बोला जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। जिस तरीके से आप समझिए, आपकी एक किताब होती है और उस किताब के पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन दिया होता है कि पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा चैप्टर ये होगा, इसी तरीके से जो अपनी संविधान किताब है उसके पहला जो लेक्चर मतलब पहला पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्रेम्बल है, और जो अपने संविधान के आदर्शों को झलकाता है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया अपनी जो संविधान की किताब है उसके अंदर एक चैप्टर है भाग चार, है ना दोस्तों, भाग तीन सॉरी, वो मूल अधिकार है, और भाग चार जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, और भाग चार का जो है वो मूल कर्तव्य है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब अपनी किताब में दी गई है। तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं अपनी किताब को ही पढ़ना है, वो किताब कैसे बनी, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इस तरीके से अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा। फिर संघवाद और केंद्र, दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि भारत में क्या है, केंद्र सरकार भी है, और भारत में कौन सी सरकार है, राज्य सरकार भी है। तो केंद्र और राज्य सरकार भाईचारे में काम करे, बड़े भाई छोटे भाई बनकर काम करे, इसको संघवाद कहा जाता है, और ये जितना सुदृढ़ होता है उतना अच्छा संघवाद होता है। लेकिन यदि केंद्र जो है सारी शक्ति अपनी ओर ले ले तो इसे एकात्मक कहा जाता है, जो अपने लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होती है दोस्तों। फिर देखिए तो संघवाद केंद्र, अब इसमें वही राज्य केंद्र राज्य संबंध, संघवाद में पहला टॉपिक हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। फिर उच्चतम न्यायालय की बात हो जाएगी, उच्च न्यायालय की, न्यायिक पुनर्वलोकन की। अब आपको जैसे मैंने बताया कि इन दोनों के जो विधायिका जो विधान बनाती है, जो नियम बनाती है, और कार्यपालिका जिन नियमों को लागू करती है, या इनको जो शक्तियां दी गई हैं उनको जो है सही तरीके से लागू हो रही है कि नहीं, क्या वो संविधान के दायरे में नहीं है, इसको कौन देखता है, उच्चतम न्यायालय देखता है दोस्तों। अब आपको मालूम होगा अपनी हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे आता हाई कोर्ट, और उनके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरीके से अपनी एकीकृत इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है दोस्तों। ये सब आपको आगे विस्तार से बताया जाएगा, मैं आपको अभी सिर्फ सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है अभी अपन पर्यावरण का कभी हनन होता है तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि सरकार जो है पर्यावरण का क्या कर रही है, हनन कर रही है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्यों चलेगा, क्योंकि सरकार यदि गलत कर रही है तो संविधान में उसको देख के कौन बताएगा, संविधान के साथ संगत है कि नहीं, न्यायपालिका बताएगी न्यायपालिका हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपको पूरे सिलेबस में चार ही चीजें पढ़नी है, संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और अपनी कौन सी विधायिका दोस्तों। आपने देखा कि संसद आएगा, तो संसद क्यों आता है? विधायिका। तो अब अपन ये देखते हैं कि अपनी जो संसद है उसमें कितने लोग बैठते हैं, कैसे चुने जाते हैं। जैसे अपन ही है, जैसे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है वो वाराणसी से खड़े हुए थे, उनको अपन ने वोट दिया, तो उस वोट को देने को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वोट उनके कहाँ चले गए? संसद में। संसद क्या है? तो अपनी विधायिका है। तो संसद में क्या कार्य होते हैं? तो वहां पे क्या होते हैं? कोई ना कोई नियम बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी संसद की जो बैठक होती है उसमें बहुत सारे नियम, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया। तो इस तरीके से आपको यही सब पढ़ना है। आपको कहीं ना कहीं, अब देखिए संविधान का कैसे निर्माण हुआ, संविधान अब अपने संघवाद और केंद्र देख लिया, राजसंबंध देख लिया, उच्चतम न्यायालय देख लिया, उच्च न्यायालय देख लिया। अब देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये देखना है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जाता है, यही सब आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों, जो आप रोज सुनते हैं कहीं ना कहीं न्यूज में। फिर न्यायिक पुनर्वलोकन, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि अपना कोई डिसीजन दिया न्यायालय ने वो उसको पलट सकती है ना दोस्तों। यदि उसको लगेगा कि हमारा दिया गया डिसीजन उतना प्रासंगिक नहीं है तो वो उनको बदल के नया डिसीजन दे देंगे, तो उसको न्यायिक पुनर्वलोकन बोलते हैं। न्यायिक सक्रियता का क्या होता है? कभी भी कहीं भी कुछ गलत दिखा जा रहा है, गलत हो रहा है, उसको न्यायालय जो होता है, या तो कोई आदमी उसके लिए रिट लगाता है, या रिट लगाता है, या कोई कोई ना कोई वाद होता है, या न्यायपालिका खुद से उस चीज को अपने संज्ञान में लेकर उसका निराकरण करने की कोशिश करती है। लोक अदालत क्या है? तो न्याय का ही एक जरिया है लोक अदालत। जनहित याचिका क्या है? न्याय का ही एक जरीका है, जरिया है। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आप संविधान अपनी किताब न्यायालय। अब देखिए आगे इकाई टू में क्या है? भारत निर्वाचन आयोग। आप देखिए ये क्या है? एक तरीके से कार्यपालिका है, कार्यपालिका नहीं, कार्यपालिका से इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन आपके जो देश में चुनाव होते हैं उनको यही करवाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कैग की शक्तियों का वर्णन कीजिए, मेंस में कैग की शक्ति। तो कैग क्या है? तो कैग एक तरीके से क्या है? कार्यपालिका का ही पद है, कार्यपालिका का ही पद है, मतलब कोई कार्य करने के लिए ही पद है, कार्यपालिका का पद भी बोला जा सकता है, कार्यपालिका में इंक्लूड किया जाता है। तो वो क्या करता है? वो देखता है कि सरकार सही से खर्चा कर रही है कि नहीं। संघ लोक सेवा आयोग जो आपकी परीक्षाएं करवाती है यूपीएससी की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो आपकी स्टेट पीएससी की परीक्षाएं कराती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की कराती है, फिर नीति आयोग, तो ये सब क्या है? कार्यपालिका। तो आपको मैंने बताया संविधान किताब पे बात हो गई, न्यायालय पे बात हो गई, अब अपने तीन अंग थे न्यायपालिका हो गया, अब बचा विधायिका और कार्यपालिका। तो ये आपका पूरा कौन सा अंग चल रहा है? कार्यपालिका। और इनमें क्या पढ़ा जाता है कि उनकी शक्तियां क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, फिर इनको नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाते कैसे। प्रीलिम्स में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो इस तरीके से देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही है। आप मेंस पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स के सारे फैक्ट कवर होने लगेंगे, और आप मेंस की तैयारी कीजिए और प्रीलिम्स के पहले एक दो महीने पहले अपने प्रीलिम्स के एक दो महीने पहले मेंस को बंद करके एकदम फैक्चुअल हो जाइए, तो इस तरीके से आपके परीक्षा निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ऐसा थोड़ा मेरे हिसाब से कठिन हो जाएगा और आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निजातिता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बड़ी खूबी क्या होती है? चुनाव। चुनाव मतलब जैसे आप गए, आपने वोट डाला और अपने यहाँ के सांसद को, विधायक को या अन्य जो भी प्रतिनिधि है उनको चुने, तो इनको ये जो आप चुनाव कर रहे हैं इसको कोई ना कोई क्या करेगा? आयोजित करेगा, या इसका आयोजन करेगा, या इसको करवाएगा। तो वो करवाता है निर्वाचन आयोग, है ना। अब वो निर्वाचन आयोग जो करवाता है इस चीज को आयोजन, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? राजनीतिक दल खड़े होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सब शब्द आप सुनते हैं कि ये वाली पार्टी जीत गई, वो वाली पार्टी जीत गई। तो ये सभी आपको पढ़ना है कि आपके यहाँ कितने राजनीतिक दल है, मतदान व्यवहार क्या होता है, फिर आपके यहाँ जो जैसे कभी कभी अपन सुनते हैं कि धर्म की राजनीति या कोई भी निर्जाति जाति की राजनीति, इस टाइप की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, है ना। जन आंदोलन होते हैं बहुत सारे अपनी अखंडता को या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि भारत देश में यदि धर्म के आधार पर राजनीति होगी तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब हो जाएगा। तो इस तरीके की अपन को चीजों को पढ़ना है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि आज भारत के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, भारत राष्ट्र के समक्ष कौन कौन सी, उसमें एक समस्या ये भी है जाति की राजनीति, एक समस्या ये भी है कि क्या बोलते हैं राजनीति का अपराधीकरण। तो ये सब की चर्चा अपन इनमें की जाएगी। तो आपको एक चीज दोस्तों याद रखना है कि अपने देश में है एक संविधान और अपने देश में है तीन अंग इस संविधान के हिसाब से काम करने के लिए, जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और अपना विधायिका। विधायिका बनाती है नियम और उसको लागू कराती है कार्यपालिका, और ये दोनों सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं इसका ध्यान रखते हैं न्यायपालिका। तो अपन को कार्यपालिका के सारे पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, इन सब के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कैग से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है, अटॉर्नी जनरल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका के
है। न्यायपालिका पढ़ना है अपन को, अभी मैंने न्यायपालिका बताया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब की नियुक्ति कैसे होती, कितने जज है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको विधायिका पढ़ना है, विधायिका क्या है, तो आपकी संसद है वो किस तरीके से काम करती है ना, उसमें बहुत सारे सेशन होते हैं, 0 आवर होता है, लघु प्रश्न पर चर्चा होती है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो आपको कहीं ना कहीं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान के निर्माण की विशेषता की आदि चीजों पर चर्चा की जाएगी। अब अपन देखते हैं यूनिट 3 क्या है। तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी और स्थानीय शासन। अब देखिए, मैंने आपको बताया केंद्र में शासन केंद्र सरकार संभाल रही है, राज्य में शासन राज्य सरकार संभाल रही है, लेकिन गांव में शासन कौन संभाल रही है, ग्रामीण सरकार है ना, पंचायत। और वो पंचायत कैसे बनी थी, संशोधन करके। तो 73वें और 74वें संशोधन, तो अब अपन को पंचायत की शक्ति, पंचायत के कर्तव्य, पंचायत के चुनाव, या पंचायत के चुनाव में कौन भाग लेता है, सरपंच कैसे बना जाता है, इन सब पर चर्चा करनी है दोस्तों। फिर अगला, जवाबदेही और अधिकार। आपको मालूम है कि लोकतंत्र की एक और बड़ी खूबी यह है कि आप अपनी सरकार से प्रश्न पूछे या आपके प्रति वो जवाबदेह रहे, क्योंकि आपने उनको चुन के भेजा है आपके लिए कार्य करने के लिए, तो वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई समस्या आती है और आप प्रश्न पूछते हैं तो उनको जवाब देने चाहिए। तो जवाबदेही और अधिकार, तो आप कैसे जवाब देंगे, तो जैसे प्रतिस्पर्धा आयोग बना हुआ है, उपभोक्ता फोरम बना हुआ है, सूचना आयोग। अब आपको पता है कि RTI एक्ट के माध्यम से आप सरकार के किसी किसी भी प्रश्न की, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर उनको देना जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे जो है, आपको पता है कि राज्य सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग बना है, तो ये कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करने का एक उपकरण हो गया। अधिकार, जैसे आपको उपभोक्ता अधिकार दिए हुए हैं तो उपभोक्ता फोरम उसको लागू करवाता है। प्रतिस्पर्धा आयोग मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखता है। महिला आयोग महिलाओं के शोषण को होने से रोकते हैं या महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाते हैं। मानव अधिकार आयोग मानव के अधिकार की ध्यान रखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति इस टाइप से OBC आयोग क्या होते हैं, उन लोगों के अधिकारों को, उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, कहीं ना कहीं सतर्कता का ध्यान रखता है और भ्रष्टाचार का निवारण करता है। तो आपको ये देखना है कि ये आयोग बने कैसे, इनकी संरचना क्या होती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शक्तियां क्या है, सिविल न्यायालय की है कि कैसी शक्ति है, इस तरीके की चीजों पर बात करनी है। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, आपको सिंपली क्या करना है, भारत का शासन चलवाना है, और भारत का शासन चलेगा संविधान से, तो आपको संविधान के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद उस शासन को चलाने के 3 अंग है, उन्हीं 3 अंग में कहीं ना कहीं आयोग आ जाएंगे, उन्हीं में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, तो इस तरीके की चीजों पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आपको मालूम है लोकतंत्र की एक खूबी होती है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कि आप जिसको चुनना चाहे उनको चुनते हैं, और राजनीतिक दल से कोई ना कोई खड़ा होता है, और आपका लोकतंत्र है, आपको जिस पार्टी की विचारधारा पसंद है आप उसका चुनाव करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके आपके लिए शासन चलाते हैं। लेकिन यदि वो सही से नहीं चलाए तो आप अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो RTI एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरीके के कई उपकरण है आपके पास। फिर देखिए, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है, इब्राहिम लिंकन साहब ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। तो कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर अपन बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं सहायता समूह पर चर्चा करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं भारत के शासन को, या भारत में हो रहे शोषण को, या भारत में हो रही कोई भी गलत चीज को, हर चीजों को उजागर करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं। फिर मीडिया की भूमिका और समस्या। देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। लेकिन आज आप देख रहे हो कुछ समस्याएं आ गई हैं, मेड न्यूज, पेड न्यूज, और इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सब बातों पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से 1-3 कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ते हैं 1-4 की तरफ। अब देखिए, अभी नया सिलेबस आपको पता होगा जुड़ा हुआ है, अभी सिलेबस चेंज हुआ है। अब देखिए, अब आपने बात करी राजनीति की, किसकी बात कर रहे हैं, राजनीति मतलब किसी देश का क्या चलाना है, शासन। अब एक बात बताइए, आपके देश का शासन चलाना है तो उनसे आपको सीखना पड़ेगा ना, जो बहुत बड़े इस राजनीति के ज्ञानी थे। तो इसी तरीके के बहुत सारे राजनीतिक विचारक आपके सिलेबस में डाले गए हैं, जैसे कौटल्य साहब हो गए। कौटल से अच्छे राजनीति के विचारक कोई नहीं होंगे। मौर्य वंश की स्थापना करवा के उसको कई सालों तक, लगभग 200 सालों तक चलवाना हर कोई के बस की बात नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको आपके देश को सुदृढ़ करना है तो कौटल्य साहब के बहुत सारे सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। उनके बहुत सारे सिद्धांत है, राज्य के सप्तभ से सात सिद्धांत, सप्तभ सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 7 अंग बताए। इसी हिसाब से कौटल्य साहब की एक लाइन जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी से बड़े राजनीतिक विचारक कौन होंगे, जिनने अंग्रेजों के शासन को हिला डाला और भारत को आजाद करा के माना। फिर जवाहरलाल नेहरू साहब हो गए, अपने पहले जो है प्रधानमंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कहा ही जाता है यूनिटी, यूनिटी के कहीं ना कहीं क्या है, वो स्तंभ है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे, इनने भी सप्त क्रांति टाइप की चीजें दी थी। BR अंबेडकर, जिनने संविधान का क्या किया, निर्माण किया।
दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे और जेपी नारायण जी हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये विचारकों को क्यों जोड़ा है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं राजनीति सीखने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी देश का सुदृढ़ शासन चलाने के लिए जो उनके, जैसे आप टीचर से कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण करते हैं, तो ये आपके राजनीति के टीचर है, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। फिर आ जाता है इकाई 5, जो की पार्ट ए की लास्ट इकाई है। तो प्रशासन और प्रबंधन, ये भी नया जुड़ा है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, राजनीति मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया संविधान के हिसाब से तीन लोग शासन कर रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका क्या बना रही, कानून, है ना। कार्यपालिका उस कानून को लागू करा रही, न्यायपालिका चेक कर रही। तो कार्यपालिका के अंदर आपको मालूम है कि कुछ क्या होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ आईएएस होते हैं, कुछ पीएससी से अधिकारी होते हैं, कुछ जैसे नीचे के अधिकारी होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, पटवारी हो गए, एसआई हो गए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं। तो प्रशासन कैसे चलता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारी, कि प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ, उसकी प्रकृति और महत्व, वो विकसित कैसे हुआ, विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। आज बताइए भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, वहीं तो अपन को गरीब को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, लोक कल्याण करना। और लोक कल्याण में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, प्रशासन। क्योंकि जनता और सरकार के बीच में कौन सेतु का काम करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है। इसलिए अपन को प्रशासन की भूमिका देखनी पड़ेगी। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, कैसे जो आज की जो लोक प्रशासन है आज कैसे आ गया, मतलब आज इतना व्यवस्थित लोक प्रशासन कैसे आया, कहीं से तो शुरू हुआ होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। तो उस पूरे अपन को उसके ऐतिहासिकता या उसके विकास को देखना पड़ेगा। नया लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है और लोक प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, आप देखिए। क्योंकि मेंस में आपको पता है ये हेडिंग से सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, तो आप हर हेडिंग के 3 मार्कर से 5 मार्कर और 11 मार्कर यदि बना के तैयार कर लेंगे, तो आपकी सफलता की संभावना बन जाएंगी। और कैसे बनाएंगे, आप हेडिंग टू हेडिंग बनाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इससे आपको वहां क्या होता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आंसर लिखना पड़ता है, तो सब चीजें क्या रहेंगी, आपको याद रहेंगी दोस्तों। और मेरे ये वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे, गहनता से विचार करेंगे, तो आपको लिटरली सब चीजें समझ में आएंगी। और आप किसी को भी ये वीडियो, जो एक्सपीरियंस है और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, दिखाएंगे, तो उसको भी मेरे हिसाब से ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं अवधारणा है, अब देखिए प्रशासन और प्रबंधन की अवधारणा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको, यदि आपको अच्छी राजनीति करनी है, तो अच्छे विचारकों के सिद्धांत ग्रहण पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको प्रशासन अच्छे से चलाना है, तो कुछ अवधारणाएं समझनी पड़ेगी, जैसे शक्ति, सत्ता, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। अब प्रत्यायोजन का क्या अर्थ होता है, डेलीगेशन का। अब मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको कि जैसे क्या होता है कि संसद है, अब उसके क्या करना है, उसको बहुत सारे काम करने रहते हैं संसद को, है ना। इतने बड़े देश का शासन चलाना आसान तो नहीं है, तो कुछ कर्तव्य या कुछ शक्तियों को क्या करती है, वो किसी को प्रत्यायोजित कर देती है, मतलब अपनी शक्ति किसी को देना, इस तरीके से इसका मतलब प्रत्यायोजन होता है। इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर संगठन के कुछ सिद्धांत होते हैं, पद सोपान, पद सोपान का क्या अर्थ होता है कि अपने यहाँ हायरार्की क्या रहेगी, राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, इस तरीके से क्या हायरार्की रहेगी, पद सोपान क्या रहेगा। फिर नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता। और लास्ट में अपन देखेंगे लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन और एवं विकास प्रशासन दोस्तों। तो इस तरीके से अपन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। अब आगे आइए, देखिए मैंने आपको पूरा मेंस का सिलेबस बताया, क्या बताया, मेंस का सिलेबस बताया। अब देखिए मेंस को प्रीलिम्स से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भारत को चलाने के लिए आपको क्या, दो चीजों की जरूरत है, एक है संविधान की। संविधान क्या है, तो नियमों विनियमों की किताब है आपकी, ठीक है। अब इस किताब के हिसाब से कौन शासन करेगा, तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब देखिए आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो आप संविधान कैसे बना, उसका निर्माण, उसकी विशेषता देखेंगे। और आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा, वो जाके क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा भारत के संविधान का लक्षण है, तो उसमें डाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डाल दिया संघवाद, बी डाल दिया एकात्मकता, सी डाल दिया कुछ और चीज, और डी डाल दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से जब आपकी इतनी संविधान पर गहन विचार हो जाएगा, तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपका, देखिए यहाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये भारत का संविधान और शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। अब भारत शासन अधिनियम 1919 से 1935, आप देखिए आपके मेंस की पहली हेडिंग देखिए क्या दिया है, संविधान का विकास, और कहीं ना कहीं यहाँ लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919 से 1935। तो यही तो आपके भारत के संविधान का क्या है, विकास है, और वो भी उसने हेडिंग डाल दी यहाँ पे। तो इस तरीके से यदि आपने वहां संविधान का विकास पढ़ लिया, तो यहाँ आपका प्रीलिम्स की पहली यूनिट हो गई। संविधान सभा, आप देखिए संविधान का निर्माण, और संविधान का निर्माण किसने किया था, एक सभा ने किया था, और वो सभा कौन सी थी, संविधान सभा। तो देखिए ये भी आपका कवर हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। अब आपको मालूम है कि संसद तीन लोगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का एक अंग है, कार्यपालिका का भी अंग है और संसद का भी अंग है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये सब आप मेंस में पढ़ते हैं। जब मेंस में 6 मार्कर आता है, तो आप ये सब चीजें लिख देते हैं। और प्रीलिम्स में इसमें से ही एक फैक्ट आपसे पूछ
पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। फिर देखिए नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, आप मेंस में जाइए तो एज इट इज ये सब हेडिंग दी हुई है। संविधान संशोधन भी मेंस में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था अवस्था भी वहां दी हुई है दोस्तों, व्यवस्था। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, ये मैं आपको अर्थव्यवस्था में समझा दूंगा। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, तो ये अर्थव्यवस्था का चैप्टर हो जाएगा, कि अर्थव्यवस्था की भी और आपके देश के शासन का भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए लगते हैं पैसे, धन, और धन आते हैं इन सब माध्यमों से, कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपके उद्योग का विकास ज्यादा हो रहा कि नहीं, आपका आयात निर्यात अच्छा हो रहा कि नहीं, आपकी जो वित्तीय संस्था है जैसे रिजर्व बैंक, जो आपके यहाँ क्या करती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं है, वो सही से कार्य कर रही कि नहीं कर रही। तो इस तरीके से देखिए प्रीलिम्स और मेंस एक ही चीज है, आपको प्रीलिम्स की एक एक हेडिंग जो है मेंस में मिल जाएगी, इसलिए मेंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए राज्य, अब ये एमपी स्पेशल है, कि एमपी के संदर्भ में आपको संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है, चाहे देश की संवैधानिक पढ़े चाहे एमपी की पढ़िए। तो संवैधानिक व्यवस्था तो हर जगह की लगभग एक सी होगी ना, वहां पे एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी, और एक संविधान होगा, या कानून होंगे, या विनिमय होगा, या उसकी किताब होगी। तो इस तरीके से आपके लिए मतपेस की संवैधानिक व्यवस्था में वही राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय पढ़ना है आपको। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरी प्रशासन व्यवस्था पढ़ना है। आपने मेंस में एक लिखा था 73rd और 74th लिखा था, वो आपके प्रीलिम्स से कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। और अर्थव्यवस्था पे मैं अलग से आपसे चर्चा कर दूंगा। तो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कैग की शक्ति और कर्तव्यों का क्या करिए, वर्णन करिए, तो आपको ये पता चल गया कार्यपालिका का एक पद है, और ये देख लीजिए आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। फिर आपके पूछा जाता है कि जो संसद में जो 0 आवर है, या तारांकित अतारांकित प्रश्न है, वो क्या है, तो वो विधायिका का अंग है, विधायिका के अंदर पढ़ा जाना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कैसे सिलेबस से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं दोस्तों। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य के राजत्व के सिद्धांतों का वर्णन करिए, तो वो आपके क्या है, पेपर में कौटिल्य दिए हुए हैं। महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न आ जाता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब प्रीलिम्स पे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, इम्पीचमेंट पूछ लेंगे, इम्पीचमेंट की कैसे हटाते हैं, है ना। फिर दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, तो वो किनको पद से इस्तीफा अपना सौंपते हैं, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आप मेंस पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट भी अपने आप अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अभी मेंस की तैयारी करिए, जैसे ही प्रीलिम्स आए उसके 2 महीने पहले प्रीलिम्स के फैक्ट को अच्छे से आप घोटना शुरू कर दीजिए, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, बिगिनर्स तक पहुंचाइए, या जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और उनकी सफलता नहीं हो रही, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आपको पसंद आया हो तो आप इसको आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।